उसके बाद आपके पास ऑप्शन है कि आप अपने प्रोफाइल में ना टॉप 3 स्किल्स लिस्ट कर सकते हैं। टॉप 3 स्किल्स लिस्ट करने का क्या मतलब है कि आप जितने मर्जी स्किल्स ऐड कर लें, ऐड करने के बाद आपको लगा कि जो HTML है, JS है और PHP है ना, वो मेरे 3 टॉप के स्किल्स हैं। तो आप देख सकते हैं ये तीनों ना पहले पिन है, आप इनको अनपिन पहले कर लें। अनपिन करने के बाद जो 3 टॉप के स्किल्स आप चाहते हैं कि टॉप के स्किल्स मेंशन हो, उनके बस यहाँ पे पिन पे क्लिक कर दें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे वो टॉप का स्किल बन जाएगा। जिन स्किल को आप चाहते हैं कि ये टॉप के स्किल बन जाए वो हो गए। इस तरह आप अपनी प्रोफाइल में 3 टॉप के स्किल्स मेंशन कर सकते हैं। स्किल्स को अरेंज करने के बाद आप सेव के आइकन पे क्लिक करते हैं, वो स्किल्स सेव हो जाएंगे। अभी तक हमने स्किल्स ऐड की हैं, उसके अलावा एजुकेशन ऐड की है, एक्सपीरियंस ऐड की है, अब हम प्रोजेक्ट्स ऐड करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपने अगर कोई भी नया सेक्शन यहाँ पे ऐड करना है, जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ अभी एक्सपीरियंस का, एजुकेशन का और स्किल्स का सेक्शन अवेलेबल है, प्रोजेक्ट्स का सेक्शन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। अगर आपने कोई नया सेक्शन ऐड करना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये स्टिकी मेन्यू में आप देख सकते हैं ऐड प्रोफाइल सेक्शन, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपके पास कौन कौन से जो सेक्शंस हैं वो अवेलेबल है। आप यहाँ पे एक दफ़ा सब पे गो थ्रू भी कर लें और मैं आपको सबसे लेके भी चलूँगा। हम सबसे पहले हम समरी ऐड कर लेते हैं क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर क्लिक करें और यहाँ पे जो आपकी प्रोफेशनल समरी हमने rosie.pk और बाकी साइटों में ऐड की है वो सेम यहाँ पे भी ऐड कर लें। समरी ऐड करने के बाद आप सेव के बटन पे क्लिक करें तो ये प्रोफाइल सेक्शन भी आपका ऐड हो जाएगा। और आप देख सकते हैं कि आपका जो यहाँ से ये लेवल था ये आ गया। यहाँ उसके बाद हम प्रोजेक्ट्स ऐड करेंगे, आप यहाँ पर फाइल सेक्शन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद कम्प्लीशमेंट्स पे क्लिक करेंगे और आप यहाँ स्क्रॉल अप करेंगे तो आप देख सकते हैं ये प्रोजेक्ट्स का है, आप इसके प्लस आइकॉन पे क्लिक कर देंगे। इसका क्या मतलब है, हमने ये सेक्शन अपने प्रोफाइल में ऐड कर लिया। यहाँ पे आप प्रोजेक्ट का नाम लिखेंगे, उसके बाद उसकी स्टार्टिंग डेट लिखेंगे जो भी होगी, और स्टार्टिंग डेट लिखने के बाद अगर ये प्रोजेक्ट अभी चल रहा है तो ऑनगोइंग, नहीं तो फिर उसकी एंडिंग डेट यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे क्रिएटर, अगर उसका कोई और क्रिएटर था तो वो लिख देंगे। अगर आपने उसको मतलब क्रिएटर का क्या, डेवलपर, डिज़ाइनर, जो भी आप कहना चाहें उसको कह सकते हैं। साथ में यहाँ से एसोसिएटेड विद, ये वही है कि कंपनी, किस कंपनी में आपने रह के ये काम किया है, और नहीं तो स्कूल में ये सेम ही काम है। उसके अलावा आप प्रोजेक्ट का URL यहाँ पे देख सकते हैं अगर कोई है, और साथ में उसकी डिस्क्रिप्शन। मैं जल्दी से ये डाटा फिल करूँगा फिर हम कंटिन्यू करेंगे। ये डाटा फिल करने के बाद आप सेव पे क्लिक करेंगे तो ये प्रोजेक्ट आपका सेक्शन में ऐड हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कम्प्लीशमेंट और उसमें प्रोजेक्ट। अब अगर आपने एक नया प्रोजेक्ट ऐड करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से प्रोजेक्ट फिर सेलेक्ट करेंगे। और अगर आपने ये जो प्रोजेक्ट हमने ऐड किया है यहाँ, इसमें कोई आपको लगता है कि गलती हो गई है और उसको एडिट करना है तो आप सिर्फ और सिर्फ इस प्रोजेक्ट्स के सेक्शन पे इसको एक्सपेंड करेंगे और जिस प्रोजेक्ट को आपको लगता है कि गलत है उसको एडिट करना है, यहाँ आपके एडिट के बटन पे क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप उसकी डिटेल को एडिट करके सेव कर सकते हैं। अगर आपने इस प्रोजेक्ट को डिलीट करना है फिर एडिट के बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद हम अपनी लैंग्वेजेस ऐड करेंगे कि कौन कौन सी लैंग्वेज हमें आती है, वो भी आप कम्प्लीशमेंट्स पे यहाँ पे प्लस करेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं लैंग्वेजेस का एक और तरीका ये है कि यहाँ ऐड प्रोफाइल सेक्शन पे क्लिक करें फिर यहाँ से स्क्रॉल करके अकम्पलिशमेंट्स, और यहाँ पे ये सेम ही है लैंग्वेज, यहाँ पे प्लस पे क्लिक कर दें, यहाँ पे ये लैंग्वेज ऐड हो जाएगी। यहाँ से आप लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे जो उर्दू, और उसके बाद यहाँ से उसका लेवल, जो आपका लेवल है, सेव कर देंगे तो यहाँ पे ये इसी सेक्शन में लैंग्वेज का भी ऐड हो जाएगा। उसके बाद आपने देखना हो कि आपका ये कौन सी चीज़ रह गई है जिसकी वजह से आपका ये 100% कंप्लीट नहीं हुआ, तो आप इस पर होवर करेंगे तो ये आपको बता देगा कि आपकी पोजीशंस जो हैं वो कम हैं। आप यहाँ पे स्क्रॉल अप करें, हमने क्योंकि एक पोजीशन पहले ऐड की हुई है, नहीं आपको यहाँ पे मिले तो आप यहाँ पे ऐड प्रोफाइल सेक्शन पे क्लिक करें, बैकग्राउंड्स पे क्लिक करें और यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस, ये है पोजीशन, इसको ऐड पे क्लिक कर दें। वहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप अपनी पोजीशन का जो भी टाइटल, जो भी आपने एक्सपीरियंस, आपका वर्क एक्सपीरियंस है उसको पोजीशन यहाँ पे ऐड कर देंगे, और मैं एक डमी पोजीशन का डाटा ऐड करूँगा और फिर हम कंटिन्यू करेंगे। ये पोजीशन का डाटा ऐड करने के बाद, ये सारा डाटा जो जो रिक्वायर्ड है उसको एंटर करने के बाद आप सेव करेंगे। अगर कोई डाटा रह जाएगा तो ये आपको हाईलाइट कर देगा, आप उसको ऐड कर लें और सेव कर दें। उसके बाद जैसे ही हमने वो एक और पोजीशन ऐड की है, आप देख सकते हैं कि हमारी प्रोफाइल 100% कंप्लीट हो गई है, आप इसको गोटेट कर दें।
उस टैब को बंद करने के बाद आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि जो हमारा प्रोफाइल का सेक्शन था वो यहाँ पे 100% टिक हो गया, मतलब हमारी प्रोफाइल 100% कंप्लीट हो गई। तो ये था तरीका कि आप लिंक्डइन में अपना अकाउंट किस तरह बना सकते हैं और अपनी प्रोफाइल को किस तरह 100% कंप्लीट कर सकते हैं। प्रोफाइल 100% कंप्लीट करने के लिए हमने क्या क्या काम किया, सबसे पहले हमने अकाउंट बनाया, उसके बाद अपनी इमेज ऐड की, बेसिक इन्फॉर्मेशन ऐड की, यहाँ पे क्लिक करने के बाद बेसिक इन्फॉर्मेशन ऐड की, और उसके बाद अपनी अबाउट समरी ऐड की। वो कैसे, यहाँ पे क्योंकि ये सेक्शन नहीं था, कोई भी अगर सेक्शन नज़र ना आए तो ऐड प्रोफाइल सेक्शन पे क्लिक किया, और यहाँ पे आप देख सकते हैं अबाउट में यहाँ पे ये था, यहाँ पे पहले समरी का एक टैब था उसको ऐड कर लिया था हमने। उसके बाद हमने यहाँ पे एक्सपीरियंस ऐड किया, एक्सपीरियंस किस तरह ऐड किया, ऐड प्रोफाइल सेक्शन में, और यहाँ पे हमने बैकग्राउंड पे ये वर्क एक्सपीरियंस यहाँ से ऐड किया, वर्क एक्सपीरियंस ये वाला एक्सपीरियंस है। उसके बाद हमने एजुकेशन यहाँ पे ऐड की, वो यहाँ से हमने वो भी बैकग्राउंड में एजुकेशन में, ये एजुकेशन ऐड करने के बाद हमने स्किल्स ऐड किए, स्किल्स हमने ये मेन टैब ही है स्किल्स, और यहाँ पे प्लस करके हमने स्किल्स ऐड किए। उसके बाद हमने अपनी लैंग्वेजेस ऐड की और प्रोजेक्ट्स ऐड किए, वो अकम्पलिशमेंट्स में है लैंग्वेज, ये प्रोजेक्ट्स और ये रही लैंग्वेजेस। तो ये सारा तरीका था कि आप लिंक्डइन में कैसे प्रोफाइल बना सकते हैं और उसको 100% कंप्लीट कैसे कर सकते हैं। अब हम चलेंगे कि लिंक्डइन में हम जॉब्स को सर्च किस तरह कर सकते हैं। उसके लिए आप लिंक्डइन में होम पेज पे आ जाएं। अभी के लिए आप इसकी टेंशन ना लें, इसको मैं अभी आपको बताता हूँ कि ये क्या चीज़ें हैं। आप ये देख सकते हैं कि ये जॉब्स का टैब है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये लिंक्डइन पे जितनी जॉब्स हैं आपको यहाँ पे अवेलेबल होंगे। वही जो मैंने आपको जो तरीका बताया हुआ है कि यहाँ पे आप जॉब का टाइटल लिखेंगे, और यहाँ पे अपनी सिटी को सिलेक्ट कर लेंगे। सिटी और टाइटल ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ये करने के बाद आप सर्च पे क्लिक करेंगे तो जो यहाँ पे जॉब्स होंगी वो नज़र आ जाएंगी। उसके बाद आपने जो हमने बाकी सभी साइट्स में फ़िल्टर लगाए थे वो कहाँ से मिलेंगे, आप देख सकते हैं ये है टैब ऑल फिल्टर्स, इस पे क्लिक करेंगे ये सारे फिल्टर्स आ गए। आप यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आपने सेलेक्ट करनी है, एक तो आपने लोकेशन सेलेक्ट करनी है, लोकेशन लाहौर होनी चाहिए, मतलब जहाँ पे आपने जॉब करनी है वही लोकेशन होनी चाहिए। एक्सपीरियंस जैसे मैं आपको हर दफ़ा बता चुका हूँ, एंट्री लेवल, और उसके बाद जॉब टाइटल, टाइटल में यहाँ पे देख लेना है कि डेवलपर हो, वेब डेवलपर, सीनियर डेवलपर दी, क्योंकि हमारा स्टार्टिंग लेवल है तो हम सीनियर डेवलपर अभी उसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, और साथ में फ्रंट एंड डेवलपर। हमने क्या क्या काम किया, एक तो हमने जो जिन चीज़ों को छेड़ना है वो ये है कि हमने लोकेशन को सिलेक्ट कर लेना है, एक्सपीरियंस लेवल को सिलेक्ट कर लेना है, और टाइटल को सिलेक्ट कर लेना है, बाकी हमें किसी चीज़ से, बाकी किसी चीज़ को हमें नहीं छेड़ना और अप्लाई कर देना है। जैसे ही हम अप्लाई करेंगे अब ये वो वाली जॉब्स हैं जो हमारे लिए बेस्ट हैं। अब आप किसी भी जॉब पे अगर अप्लाई करना चाहते हैं बस उसको सिलेक्ट करें और अप्लाई के बटन पे क्लिक कर दें। जैसे ही अप्लाई के बटन पे क्लिक करेंगे ये उसके अप्लाई के पेज पे ले आएगा। यहाँ पे आप ये हर एक जॉब का यहाँ पे अप्लाई करने का तरीका डिफरेंट है, मतलब ये क्योंकि ये कंपनीज ने जॉब लगाई हुई है तो उन्होंने किसी ने ये काम किया है कि वो अपने पेज पे ले जाता है, वहाँ पे फिर आपको अप्लाई पे, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और ये फिर आपसे डिटेल मांगेगा। काफ़ी कंपनियों ने ये वाला काम किया हुआ है कि वो आपको अपनी वेबसाइट पे ले आते हैं और वहाँ से फिर आपको डिटेल यहाँ पे देनी पड़ती है। उसके अलावा कुछ कुछ अप्लाई इस तरह का है कि आप क्लिक करेंगे और वो डायरेक्ट अप्लाई हो जाएगा, मतलब वो लिंक्डइन पे ही अप्लाई उन्होंने किया हुआ है। ज़्यादातर कंपनियों ने यही काम किया है कि आप अप्लाई के बटन पे क्लिक करेंगे लिंक्डइन पे और वो आपको अपनी वेबसाइट पे ले आएगा, क्योंकि ये जो लिंक्डइन है ये मेन जॉब प्रोवाइडिंग वेबसाइट नहीं है, लेकिन इस पर बहुत जॉब्स, अच्छी जॉब्स मिलती हैं। मेन ये एक प्रोफेशनल कम्युनिटी है। अब मैं उस बात की तरफ आता हूँ कि ये प्रोफेशनल कम्युनिटी किस तरह की, आपने ये देख लिया कि जॉब्स को सर्च किस तरह करना है और अप्लाई किस तरह करना है। यहाँ पे अप्लाई के बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे बस आप अप्लाई विद लिंक्डइन करेंगे या फिर अपनी डिटेल को यहाँ पे एंटर करके सबमिट एप्लीकेशन। ये तरीका सभी का सेम है कि आप यहाँ पे या तो अपनी डिटेल खुद एंटर कर लें, यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी में ये बटन होगा कि अप्लाई विद लिंक्डइन, आप इसमें भी देख सकते हैं कि लिंक्डइन प्रोफाइल ठीक हो गया। उसके बाद अब हम देखेंगे कि हमने अभी तक देख लिया कि प्रोफाइल किस तरह बनानी है, उसको 100% कंप्लीट किस तरह करना है, जॉब्स इस पर किस तरह सर्च करनी है, और जॉब्स पे अप्लाई किस तरह करना है। लास्ट और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लिंक्डइन का, लिंक्डइन दूसरी उन सभी जॉब प्रोवाइडिंग वेबसाइट से मुख्तलिफ किस तरह है, आप इसके मेन पेज पे आ जाएं और आप आते हैं हम इसकी तरफ बिल्ड योर नेटवर्क, यहाँ पे फाइंड कनेक्शंस पे क्लिक करते हैं।
लिंक्डइन जो है वो एक प्रोफेशनल कम्युनिटी है, यहाँ पे जितने भी ओवर ऑल द वर्ल्ड पूरी दुनिया में जो प्रोफेशनल्स हैं ना, जो मतलब डेवलपर्स हैं, डिज़ाइनर्स हैं, जितने भी जो प्रोफेशनली काम करते हैं, जिनकी कंपनियाँ हैं, उन सभी ने ऑलमोस्ट इस पे प्रोफाइल बनाई हुई है। आप उन सब के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और डायरेक्टली उनके साथ काम कर सकते हैं। लिंक्डइन इस हवाले से बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म, तो मैं आपको पर्सनली भी रिकमेंड करूँगा कि आप रोज़ाना की बेस पे यहाँ पे सभी को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजा करें। एटलीस्ट आप रोज़ाना 20 से 30 बंदों को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजें। इससे क्या होगा, आपका कनेक्शन, ये जो कम्युनिटी है वो बढ़ेगी। ये देखें, जैसे ही हमने वो किया तो ये यहाँ पे ये भी फिल हो गया। वो कह रहा है कीप कनेक्टिंग, और यहाँ पे वो कह रहा है पर्सनलाइज योर फील। ये जो दो चीज़ें हैं ये हमारे इतने काम की नहीं, ये बस वो चीज़ है क्योंकि ये एक कम्युनिटी वेबसाइट है, तो यहाँ पे क्योंकि ये एक कम्युनिटी वेबसाइट है तो यहाँ पे लोग पोस्टिंग भी करते हैं और इस तरह की काफ़ी चीज़ें, तो आप उसको यहाँ पे, अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे जो पोस्टें आपको नज़र आएँ, वो जो आप पोस्टें चाहते हैं सिर्फ वही नज़र आएँ, तो आप यहाँ पे फॉलो हैशटैग कर सकते हैं। फॉलो हैशटैग के बटन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे आ जाएंगे, और यहाँ पे आप जिस बटन जिसको सेलेक्ट करेंगे ना, अगर आपने फाइवर को सेलेक्ट किया है तो जिस पोस्ट के टैग में फाइवर का टैग होगा वो पोस्ट आपकी फील्ड में नज़र आ रही होगी। अगर आप यहाँ पे आते हैं लिंक्डइन में तो वो पोस्ट सिर्फ यहाँ पे नज़र आएगी जिसके हैशटैग में फाइवर का भी टैग होगा। तो मेन जो लिंक्डइन का फ़ायदा है वो ये है, माय नेटवर्क। यहाँ पे आप आके अपने कनेक्शंस बना सकते हैं, लोगों के साथ कनेक्ट करें और अपनी कम्युनिटी को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करें। तो ये थी आज की वीडियो, इसमें आपने देखा कि लिंक्डइन क्या है, लिंक्डइन पे आप अपनी प्रोफाइल किस तरह बना सकते हैं, अपनी प्रोफाइल को 100% कंप्लीट किस तरह कर सकते हैं, उसके बाद आप लिंक्डइन पे जॉब्स किस तरह सर्च करके उन पे किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, और लास्ट में आपने देखा कि लिंक्डइन जो एक प्रोफेशनल कम्युनिटी है उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपको किस चीज़ का है, उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपको कनेक्शंस का है कि आप लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी, काइंडली वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करिएगा, और अगर आपको इस वीडियो में कोई भी मुश्किल आई हो या कोई बात आपको समझ ना आई हो तो काइंडली उसको कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछें, मैं उसका जवाब दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको इस तरह की वीडियोस मिलती रहें। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।